जनपद बलिया, स्वास्थ्य जनरक्षक का पुनः बहाली के लिए सरकार का आश्वासन। जनपद बलिया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य जनरक्षका ने वैना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पत्रकारों का यह जानकारी दिए कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य जनरक्षका यह आश्वासन मिला कि पुनः सबका बहाली किया जाएगा। इसके लिए वैना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इंडिया टॉप न्यूज से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट, बलिया। मैं विजय शंकर सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैना जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर हैं और इस समय मैं अपने जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त है। ये बताइए, आप लोगों के साथ क्या समस्या है? आप कर्मचारीगण हैं, आपके साथ क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि सन 1993 में इसका चुनाव हुआ, 1983 में और जा करके 2002 में वित्त के अभाव में इस व्यवस्था को सरकार बंद कर दी। अभी तक कांग्रेस, बसपा और सपा आकर के प्रलोभन देती रही, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन ये सरकार चली गई नहीं की। आज हमारे डॉक्टर रीता बहुगुणा परिवार कल्याण मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस कार्य को हम करेंगे और जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली शीघ्र कराने की कोशिश करेंगे। यानी आपको भरोसा है कि आपकी मांगे अब मान ली जाएंगी और आप लोगों की जीवन में खुशी आएंगी? हमारी मांगे अब मान ली गई है और हमारी डॉक्टर रीता बहुगुणा के को हम सभी से जन स्वास्थ्य रक्षक जो है धन्यवाद देते हैं। और सीएमओ साहब ने हमारे, हम लोग गए तो सीएमओ साहब बोले कि हम सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ये कापी जो है डिस्पैच कर दिए। यानी आपको आश्वासन मिले हैं और ये उम्मीद जगी है कि आपकी मांगे पूरी होंगी? हाँ साहब, हमको आश्वासन मिला है और उम्मीद भी सरकार से जगी है कि हमारी मांगे पूरी होगी। मेरा नाम जनार्दन तिवारी है, ग्राम जीरा बस्ती का रहने वाले हैं और वैना पीएससी पर हेल्थ गाइड कार्यरत थे। अच्छा, ये बताइए, ये जिस तरह से सरकार ने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, जो आपकी समस्याएं हैं, ये किस प्रकार की समस्याएं हैं और सरकार के किस प्रतिनिधि ने आपको ये आश्वासन दिया है? जी, डॉक्टर रीता बहुगुणा। अच्छा, डॉक्टर रीता बहुगुणा जी ने आपको आश्वासन दिया है कि जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं वो सुन ली जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलेंगे, तो आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? उम्मीद तो है। इस पर आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी कोई आश्वासन लिया है? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है? 100 दिन का समय लिया है। अच्छा, यानी उन्होंने भी समय लिया है और आपकी मांगों को पूरी करने का पूरी तरह से आश्वासन दिया है। अच्छा, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। डॉक्टर रीता बहुगुणा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रीता बहुगुणा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद।